आंध्र प्रदेश से, और को चेयर हैं प्रोफेसर अंजू सेठ मैम, और रिपोर्टर हैं गीता रानी. मैं संयोजिका हूँ जो आपके सामने अक्सर यहाँ जानते हैं, पर जो नहीं जानते उनके लिए करुणा आर्या, दिल्ली विश्वविद्यालय, असिस्टेंट प्रोफेसर. सर्वप्रथम हम परम पिता परमेश्वर से आराधना करते हैं हमारा सत्र अच्छे से, और हम सभी वेद की चर्चा को अच्छी प्रकार से आदान प्रदान करें. स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिन पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथम न्यासन् देहनाकः महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः. अन्तिममन्त्रस्य जटापाठः. ॐ यज्ञेन यज्ञं यज्ञं यज्ञेन यज्ञेन यज्ञं यज्ञमयजन्त अयजन्त यज्ञं यज्ञमयजन्त अयजन्त देवाः देवायजन्त अयजन्त देवाः देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि तानि धर्माणि धर्माणि तानि तानि धर्माणि धर्माणि प्रथमानि प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमानि प्रथमान्यासन् आसन् प्रथमानि प्रथमान्यासन् आसन्निति आसन् तेह हते तेह हनाकं नाकं ह हनाकं नाकं महिमानः महिमानः नाकं नाकं महिमानः महिमानः सचन्त सचन्त महिमानः महिमानः सचन्त सचन्त यत्र यत्र सचन्त सचन्त यत्र यत्र पूर्वे पूर्वे यत्र यत्र पूर्वे पूर्वे साध्याः साध्याः पूर्वे पूर्वे साध्याः साध्याः सन्ति सन्ति साध्याः साध्याः सन्ति सन्ति देवाः सन्ति यजमानस्य यजमानस्य सन्ति सन्ति यजमानस्य यजमानस्य कामाः कामाः यजमानस्य यजमानस्य कामाः कामा इति कामाः इति जटापाठः. अब मैं प्रोफेसर अंजू सेठ मैम को, जो कि सत्यवती कॉलेज में निरंतर कार्यरत हैं और बड़ी ही विदुषी हैं, वो जो आज की चेयरपर्सन है उनका उनके विषय में बताने जा रही हैं, उनका परिचय देंगी अंजू सेठ. धन्यवाद करुणा. वैदिक पाठ के उपरांत एक दुर्गा सप्तती के श्लोक से प्रारंभ करना चाहूँगी. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. ज्ञान का संबंध बुद्धि से और बुद्धि का संबंध वैदिक ज्ञान से अपने आप ही हो जाता है. भाषा, वेद और ज्ञान सब एक दूसरे के पर्याय ही प्रतीत होते हैं. आज की इस संगोष्ठी के चेयरपर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल के आर मूर्ति जी का परिचय देते हुए मुझे परम सौभाग्य का अनुभव हो रहा है. निरंतर आर्मी में रहते हुए देश की सेवा करते हुए भी इन्होंने 3 साल वेदांत दर्शन का अध्ययन किया है, और अभी अभी इन्होंने मुझे सूचना दी है कि औपनिष्टिक दर्शन, और 12 साल से वेव्स के प्रोग्राम्स में आकर इन्होंने संस्कृत के प्रति विशिष्ट अनुराग प्रदर्शित किया है. तो देश सेवा और संस्कृत का यह सामंजस्य और यह समन्वय बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा प्रतीत होता है कि राष्ट्र सेवा में भी यदि संस्कृत का योगदान रहे तो बहुत अधिक उपयोगी है. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, और मंच करुणा को. हम सबसे पहले जो यहाँ ये जो कार्यक्रम का जिन्होंने जो आधारशिला हमें जो दिल्ली में जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें लगातार निरंतर यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, जो प्रेरणा स्वरूप हैं उनका भी अभिनंदन करती हुई मैं डॉक्टर
प्रोफेसर शशि तिवारी महोदया, उनका अभिनंदन करती हूँ। आप सब भी ताली बजा करके उनका स्वागत करें और मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मंच पर आने का कष्ट करें, हमें अच्छा लगेगा। और उन्हीं के साथ उन्हीं की सखी प्रोफेसर धर्मा मैडम है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी भी ताली बजा करके उनका स्वागत करें। ठीक है, मेरा सम्मान था, स्वेच्छा से आप जहाँ बैठना चाहें वो ठीक है जी। वक्ता हैं, उनमें प्रथम वक्ता समिता शास्त्री, अर्जुन प्रसाद बस्तोला जो नेपाल से हैं और विश्व हिंदू महासंघ के भी वो अध्यक्ष हैं और नेपाल से पधारे हुए हैं। उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि वो आकर के अपने लेख के लेख का प्रस्तुतीकरण करें। समिता शास्त्री ओ सजयति सिन्दूरवदना देवयत्पादपङ्कजस्मरणं बासरमणिरिवं तं सां राशिं नाशयति विघ्नानाम् ॐ हरिः। ॐ यस्ते मध्यं पृथिवी एतत्तभ्य यस्य ऊर्जस्तन्सम्भुभु तासु नो धेयविन पवस्व माता पृथिवी पुत्रोऽहं पृथिव्या पर्जन्य पिता सौनपि परतु। हरिः ॐ वसत ते विष्णवास आकिणोमि तन्मे जुष्वस्व शिपिभीष्टहव्यं वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे ययूपातः स्वस्तिभिः सदा न। हरिः ॐ। सभाभ्यो नमः, सभापतिभ्यो नमः। मैं समिता शास्त्री अर्जुन प्रसाद बास्तोला, मैं नेपाल से आया हूँ और इस कार्यक्रम में मुझे प्रोफेसर बलराम सिंह ने आमंत्रित किया, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। लेकिन जिस तरह की मैं कल्पना करता था कि यहाँ पर इसके विद्वत वर्ग रहेंगे, जिस तरह से खाली हॉल दिख रहा हूँ, तो उससे मेरा उत्साह कम हो रहा है बोलने में। अच्छा, पैरेलल चार जगह चल रहा है, अच्छा तो ठीक है। तो इसको मैं जो है अब मैं अभी दो विषयों में चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम तो मैं एक जो चर्चा का विषय है वो मेरा रहेगा, जो विश्व का जो सबसे बड़ा एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन का नाम था नैमी सारण्य में हुआ, 88,000 ऋषि मुनि 18 महीने तक विभिन्न शास्त्रों के बारे में और कलयुग के बारे में चर्चा में लिप्त थे। अगर उसको अंग्रेजी में कहें तो इस द ग्रेट कॉन्फ्रेंस इज लॉन्ग 18 मंथ एंड इट्स वेरी वेरी हार्ड टॉक इन 88,000 ऋषि आर प्रेजेंट देयर। और सनक सनंद आदि ऋषियों ने इसका आयोजन किया था और उसमें ये था, वो किसी को मतलब अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। आयोजक जो थे सनक सनंद आदि ऋषि थे, अध्यक्षता किसी को नहीं दी गई थी। और उसमें ये जिस युग में हम लोग जी रहे हैं कलयुग, ये कलयुग को बहुत विस्तृत रूप में 12 महीने तक इसके ऊपर में चर्चा हुई। और इस कलयुग को ऋषियों ने 5 भाग में विभक्त किया था। वो 5 भाग थे, उस 5 भाग के बारे में पहले कहूँगा। कलयुग का पहला भाग कली, ज्ञान बुद्धि विद्या आदि का प्रस्फुटन, चाहे आद्य शंकराचार्य हों चाहे भरतहरि हों, एक युग ऐसा था कि ज्ञान विद्याओं का बहुत ही महत्व था और उसको प्रस्फुटन के रूप में आया था। और दूसरा चरण आया कलयुग का, उसे कलायुग कहा गया है। पूरे विश्व के राजा महाराजा, एक मामूली से मामूली व्यक्ति भी
कलाकृति के निर्माण में संलग्न था, जिसे हम देख सकते हैं चाहे वो मिस्र की पिरामिड हो, चाहे लोरा जानता की गुफा हो, चाहे कोणार्क हो, या विभिन्न जितनी भी कलाकृतियाँ निर्माण हुई कलयुग के उस काल में हुई। उसके बाद में कलयुग को जैसे ऋषियों ने विभक्त किया था, कलयुग, कल बोले तो कल कारखाने मशीनरी, कल इसके निर्माण में पूरा विश्व फिर उसी में लग गया, उसको बहुत प्रकार के वो निर्माण हुए। उसे चौथे चरण में जो है कलयुग को कलह युग कहा गया है, जिस युग की चरम अवस्था में आज लोग हम हैं। विश्व में पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध लगाए कई चरणों में कलि को विभक्त किया था, तो ये चौथा जो विभक्त किया था उसे कहा गया था कलह युग। अब हम लोग कलह युग में जी रहे हैं, कई प्रकार के कलह होते हैं, कलह ही सभी जगह कलह चल रहा है। और पांचवा जो है कालयुग कहा गया है, कि कालयुग में एक दूसरे को वध करेगा तो वो गौरव अनुभव करेगा कि मैंने इसका वध कर दिया। इस तरह से ये पांच चरण में विभक्त था। अब कलयुग के बारे में ऋषि मुनियों ने जो बहुत सारी चीज़ें कही, उसमें से कलयुग के बारे में जो एक बहुत ही अहम चीज़ सामने आई उनके चर्चा के जो मैंने अध्ययन किया, उसमें यह था कि कलयुग में जो है 98.5% जो है मनुष्य अकाल मृत्यु मरेगा, काल गति की मृत्यु नहीं होगी। और दूसरा कलयुग के बारे में उन लोगों ने एक बहुत ही अहम चीज़ कही कि कलयुग में कोई भी मनुष्य जिंदा है बोल के प्रमाणित करने के लिए उसके शरीर में कुछ न कुछ रोग होगा, व्याधिग्रस्तम कलेवरम, कुछ न कुछ रोग अवश्य में वह होगा। बिना रोग का जो मनुष्य है वो जिंदा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में रोग नहीं है तो वो जिंदा नहीं है। छोटा बड़ा कुछ न कुछ रोग अवश्य में वह होगा, और इसलिए जो है अकाल मृत्यु होगी, तो वो फिर वो पुनर्विजननम पुनर्विमरणम के चक्र में भी जाएगा। तो इसलिए इसमें ऋषियों ने क्या कहा कि अब इसके लिए कलयुग के लिए आशीर्वचन क्या दिया जाए, जब इस तरह की वो है तो किस तरह का आशीर्वचन दिया जाए, इसके विषय में बहुत ही विवादपूर्ण और बहुत ही मतलब कि इसको हार्ड टॉक कहते हैं, उस तरह की वहाँ पर चर्चा हुई। उस चर्चा में कलयुग में प्रथम आशीर्वचन क्या देना है और दूसरा क्या देना है और तीसरा क्या देना है, इसके बारे में ऋषियों में व्यापक रूप में चर्चा हुई। उस चर्चा का अंतिम निष्कर्ष, जिसे मतलब 18 दिन लगा है, उसका अंतिम निष्कर्ष आया है कि पहला तो आशीर्वचन यह दिया जाए कि उसको उसकी अकाल मृत्यु न हो, और दूसरा वो निरोगी हो, तीसरा जो है जन्म मुक्ति के बंधन से पार हो। तो इसके लिए मंत्र निर्धारण किया गया, और हर पूजा भगवान की हर प्रार्थना के बाद में जो हम चरणामृत लेते हैं, चरणामृत दिया जाता है, उसमें मंत्र निर्धारण किया गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म निविद्यते, ये मंत्र का निर्धारण किया गया आशीर्वचन कलयुग के लिए। तो आज भी जो है हर पूजा इत्यावत जो भी कर्म होते हैं, जब चरणोदक दिया जाता है तो इसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है कलयुग के लिए, क्योंकि निर्धारित मंत्र है ये। अब मैंने जो है मैंने क्या जब इस मंत्र के बारे में और 88,000 ऋषि मुनियों के बारे में जब विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में, क्योंकि मैं संहिता शास्त्री हूँ तो मैं इसका एक प्रकार से शोध कर रहा था, उस शोध में मैं दूसरे वचन के ऊपर में मैंने विशेष ध्यान दिया कि सर्वव्याधि विनाशनम, क्योंकि कलयुग में हर मनुष्य में जिंदा होने का प्रमाण कुछ न कुछ रोग होता है, व्याधिग्रस्तम कलेवरम। तो इसके ऊपर में दूसरे वचन के ऊपर में मैंने करीबन 7 वर्ष तक विभिन्न वैदिक पौराणिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ आदियों का अध्ययन किया। उस अध्ययन से मुझे शुक्ल यजुर्वेद में तो एक सूत्र मिला छोटा, लेकिन अथर्ववेद में कुछ विस्तृत मेरे को उसमें प्राप्त हुआ। तो वो जो प्राप्त हुआ उस मंत्र का मैंने फिर उसको मैंने शोध के क्रम में
शोध किया, जिस विधि से जल बनाने के लिए कहा गया था उस विधि से जल का निर्माण किया और मैंने प्रयोग करके देखा। इस प्रयोग में मैं 100% सफल रहा। तो मैंने प्रयोग करके देखा कि बहुत से रोग उससे ठीक होते हैं। तो मैं अब जो है लोक कल्याण कार्य के लिए कभी कभी उस तरह का जल बना के प्रयोग करता हूँ, लोगों को प्रयोग कराता हूँ, जिससे कई तरह की बीमारियाँ ठीक होती हैं। लेकिन एक सब हमारे लिए जो है वो भी एक बाध्यता है कि किसी भी संहिता शास्त्री को प्रकृति जो कर रही उसमें बाधक नहीं बनना, प्रकृति से ऊपर नहीं जाना बोलते हैं, उससे मतलब प्रकृति से लड़ाई मत करो, जो प्रकृति दे रही उसको होने दो। क्योंकि हम बहुत सी जो उल्का होती है या भूकंप आदि होती है या हर चीज़ तो हम जानते हैं, क्योंकि ग्रह ग्रह की गतियों को भी जानते हैं हम। और इसलिए हम लोगों को एक अगर आप जानते हो तो 5 विद्वानों को बता करके अब चुप हो जाओ, प्रकृति जो करती करने दो, उसमें बाधक मत बनो, वो कहा गया। फिर मैंने जल बनाना कभी कभी जब अत्यावश्यक होता बनाता हूँ, और नहीं तो मैं अपना भगवान के आराधना में रहता हूँ उस तरह से। अब इस विषय में ये हमारे प्रशांत प्रसन्ना जी ने दे दिया होगा पेपर आप लोगों को, उसको थोड़ा अध्ययन करें। पहला टॉपिक यही रहेगा और दूसरा टॉपिक जो है मैं ये सूर्य भगवान कैसे प्रज्वलित होते हैं इसके बारे में बताऊंगा, वो ऋग्वेद का सोमेनादित्यो वल्लन सूत्र से बताऊंगा उसको। तो पहला हमारा जो है ये जो जिसे मैंने अंग्रेजी में नाम दिया है हाइड्रोपैथी, जल चिकित्सा है। तो इसमें बताया गया है कि आप किसी पवित्र नदी या कुएं का जल ले लें, इसमें सर्वोत्तम जल जो है धन्वंतरी संहिता के हिसाब से वो जाह्नवी का जल है, जाह्नवी का जल है, उसे सबसे पवित्र और औषधियुक्त माना गया है। जाह्नवी बोले तो गंगोत्री से थोड़ा नीचे एक बद्रीनाथ की तरफ से एक हिम नदी आती है, उसे जाह्नवी कहा जाता है। वैसे पूरी गंगा को भी जाह्नवी कहा जाता है। तो ये जल जो है इसे ऐसा जल ले करके तांबे के बर्तन में, अब आप जैसे आपने 1 लीटर जल लिया तो कम से कम उसमें 1 तोला शुद्ध सोना डाल के उसको वो पानी चौथाई हो जाए इसे तांबे के बर्तन में पकाइए। उसके बाद में यहाँ इसी में इनके मंत्र दिए गए हैं, इस मंत्र का 11,000 बार उच्चारण करके अमृत वर्चस्व मंत्र से उसको संपुटित करके उस जल का निर्माण करने के बाद में किसी भी प्रकार का रोग ठीक होता है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये जल जो है वो 11,000 मंत्र एक ही दिन में पूर्ण किए जाएं। अब उसके लिए ये तैयार करने के लिए पुष्य आदि नक्षत्र का भी प्रयोग होता है, उत्तम मुहूर्त को लिया जाता है। तो इस तरह से जल तैयार होता, और इसके जल के लास्ट में इसके जल सेवन कराने का भी मंत्र है, वो भी मैंने इसके लास्ट में दिया है। वो बहुत ही सुंदर मंत्र है। जो मंत्र है वो आप किसी भी औषधि के सेवन से पहले अगर उस मंत्र को पाठ करेंगे तो वो औषधि काम करेगी। ये औषधि सेवन के लिए धन्वंतरी संहिता का मंत्र है। ये मंत्र जो है आपको बहुत ही सुंदर मंत्र है, अच्युतानंद गोविंदम नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम धन्वंतरी वृकोदास काशीराजस्य वीरवान नहकूल सदेव सदेवस्य पंचेते व्याधिघातक शरीरं च नवछिद्रं व्याधिग्रस्तं कलेवरम औषधी जाह्नवी तोयम वैद्ये नारायणो हरि अच्युतानंद गोविंद विष्णु धन्वंतरे हरे वासुदेवा हिलानस्य रोग नाश रोगान नाशे नाशे। ये मंत्र का अगर सेवन करके हम किसी भी औषधि को लेते हैं तो औषधि पूर्ण रूप से काम करेगी। ये धन्वंतरी संहिता का मंत्र है। इस तरह से ये जल को निर्माण करके इस जल का अगर किया जाए तो किसी भी रोग को, कितना भी कठिन से कठिन रोग हो,
पूर्ण रूप से ठीक होता है। इसमें खास करके जल के विषय में ये जो इसमें वचन भी आया है, तो जो जाह्नवी की धारा का जल है वो बहुत ही उपयोगी होता है। और इस तरह से मैंने आज तक करीबन 10,000 व्यक्तियों में इस जल का प्रयोग कर चुका हूँ, उन्हें पूर्ण रूप से फायदा हुआ है। इसमें सिर्फ मंत्र का ही प्रभाव है और कुछ नहीं। जो अथर्वेद के मंत्र हैं, जो जिसको 11,000 की प्रक्रिया पूरी करनी है, वो पूरा करके करने से ये जल तैयार होता है। और जो इसकी जो संपुट करने का अमृत वर्चस्व वाला मंत्र है, उसी जल को अमृतता प्राप्त होती है। ये है अब सार संक्षेप में। अब छोटा सा और एक बता दूंगा, वो है ऋग्वेद का सोमेनादित्यो बलिन सूत्र। ये भी बड़ा जटिल सूत्र है। अब आधुनिक विज्ञान में भौतिक शास्त्र का जो सिद्धांत है, उसमें किसी भी वस्तु को जलने के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन का होना नितांत आवश्यक है। बिना उसके कोई जलता नहीं है, कोई भी चीज़ जलती नहीं है। ये भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन भगवान सूर्यनारायण जलते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। कैसे जलते हैं, तो इसके विषय में बिल्कुल हमारे ऋग्वेद में सोमेनादित्यो बलिन सूत्र है। वो सूत्र कहता है कि एक पृथ्वी पूरी तरह से चंद्र आभा मंडल से ढकी हुई है। चंद्रमा पृथ्वी से प्राणवायु को हर शुक्ल पक्ष में खींचता है, जिसे समुद्र आदि में ज्वार भाटा आदि होती है। और जो आपके समुद्र किनारे के और जहाँ जल की अधिकता है, वहाँ के वृक्ष बहुत ऊँचे होते हैं, वो रसदार वृक्ष होते हैं। और उस तरह से उस ऑक्सीजन को आज के आधुनिक विज्ञान के हिसाब से चंद्र आभा मंडल की जो तापक्रम है वो 185 डिग्री माइनस है आधुनिक विज्ञान के हिसाब से। तो हम उसमें भौतिक शास्त्र का सिद्धांत तो वहाँ पर कैसे फेल होता है। जैसे हम आग के नज़दीक ऐसे हाथ करें तो गर्म आना चाहिए, इस तरह से हम जब सूर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों में जाएं वहाँ भी हमको ठंडा मिलेगा। अगर हम हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ हमको माइनस डिग्री मिलेगी, जबकि भौतिक शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से वहाँ हमें ज़्यादा गर्म मिलना चाहिए था, क्योंकि हम उस तरफ जा रहे हैं, नहीं मिलता है। क्योंकि पृथ्वी पूर्ण तरह से चंद्र आभा मंडल से ढका हुआ, जो बहुत ही ठंडा है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से प्राणवायु को खींचता है, और वो इतना ठंडा है कि वहाँ जाते हुए प्राणवायु सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद में हर अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही बिंदु पे आते हैं, और वो प्राणवायु जो है जलने के लिए सूर्य को राशन के तौर पे हर महीने प्राप्त होती है। तो उससे ऑक्सीजन वहाँ जलता है। और हर एक भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी को पता होगा कि प्रकाश और हवा का स्रोत जो है सूर्य है, हवा भी उधर से आती है। प्रकाश और हवा दोनों सूर्य से ही आते हैं, और वो हवा जो है फिर वापस कई ग्रहों में बड़ी आंधी के रूप में आते आते पृथ्वी तक भी आती है। और हमारे यहाँ के जो गर्मी के महीने हैं, तो थोड़ा बहुत हवा का वेग हमारे यहाँ भी पहुँचता है, जो सूर्य से वापस होता है। इस तरह से जो है भगवान सूर्य के जलने की प्रक्रिया ये है। और इसके बारे में हमारे ये हमारे सतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों में, जैसे ये ऋग्वेद का अगर आप दसों उसका 85:2 में आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इस तरह सतपथ ब्राह्मण में भी मिलेगा। और हमारे कई ग्रंथों में सूर्य का अन्न भी सोमी है, चंद्रमा ही है बोल के कहा गया है। इसलिए आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। और ये हमारे वेद का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसी तरह से ऋग्वेद में एक सूत्र है विवर्तते मही, उसके बारे में फिर कभी बताएंगे। धन्यवाद। किसी को कोई क्वेश्चन या सत्र के बाद में रखेंगे, आप नोट करके रखिए। जो भी आपके प्रश्न हैं उनको हम 10 मिनट बाद में सत्र में होगा, सभी यहीं पर उपस्थित हैं सभी से। अब इसके बाद योगेंद्र जी बिल्कुल तैयार रहिए,
सर ने, समिता शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छा जल चिकित्सा के माध्यम से, जल चिकित्सा से किस प्रकार से वो रोगों को दूर करते हैं, जैसा कि हम नित्य प्रति पाठ भी करते हैं, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये आपो हिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महिरणाय चक्षसे इत्यादि मंत्रों से हम नित्य प्रति संध्या और स्तुति रूप में हम जल से प्रार्थना करते हैं कि हमारा शरीर, हमारा हम जो पानी ग्रहण कर रहे हैं वो सब हमारे लिए शुद्ध और पवित्र हो करके हमें निरोगी बनाए। और वास्तविकता है शरीरम व्याधि मंदिरम, और ये व्याधियों का मंदिर है, यदि हम इसको सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे तो ये हमें धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए उद्यत रहेगा ही नहीं। तो इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो इसलिए शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सविता शास्त्री जी ने जल चिकित्सा के माध्यम से अपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट किया। अब मैं योगेंद्र भारद्वाज हैं, जो JNU से धनुर्वेदीय व्यूह संरचना उनका टॉपिक है, उस पर अपनी PPT प्रेजेंटेशन रख रहे हैं बहुत अच्छे से। और समय का ध्यान रखें, जो मंत्र है वो आप किसी भी औषधि के सेवन से पहले अगर उस मंत्र को पाठ करेंगे तो वो औषधि काम करेगी। ये औषधि सेवन के लिए धन्वंतरी संहिता का मंत्र है। ये मंत्र जो है आपको बहुत ही सुंदर मंत्र है, अच्युतानंद गोविंदम नाम उच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम धन्वंतरी वृकोदास काशीराजस्य वीरवान नहकूल सदेव सदेवस्य पंचेति व्याधिघातक शरीरंच नवछिद्रम व्याधिग्रस्तम कलेवरम औषधि जाह्नवी तोयम वैद्ये नारायणो हरि अच्युतानंद गोविंद विष्णु धन्वंतरे हरे वासुदेवा हिलानस्य रोगनाशे। ये मंत्र का अगर सेवन करके हम किसी भी औषधि को लेते हैं तो औषधि पूर्ण रूप से काम करेगी। ये धन्वंतरी संहिता का मंत्र है। इस तरह से ये जल को निर्माण करके इस जल का अगर किया जाए तो किसी भी रोग को, कितना भी कठिन से कठिन रोग हो, वो पूर्ण रूप से ठीक होता है। इसमें खास करके जल के विषय में ये जो इसमें वचन भी आया है, तो जो जाह्नवी की धारा का जल है वो बहुत ही उपयोगी होता है। और इस तरह से मैंने आज तक करीबन 10,000 व्यक्तियों में इस जल का प्रयोग कर चुका हूँ, उन्हें पूर्ण रूप से फायदा हुआ है। इसमें सिर्फ मंत्र का ही प्रभाव है और कुछ नहीं। जो अथर्वेद के मंत्र हैं, जो जिसको 11,000 की प्रक्रिया पूरी करनी है, वो पूरा करके करने से ये जल तैयार होता है। और जो इसकी जो संपुट करने का अमृत वर्चस्व वाला मंत्र है, उसी जल को अमृत प्राप्त होती है। ये है अब सार संक्षेप में। अब छोटा सा और एक बता दूंगा, वो है ऋग्वेद का सोमेनादित्यो वलिन सूत्र। ये भी बड़ा जटिल सूत्र है। अब आधुनिक विज्ञान में भौतिक शास्त्र का जो सिद्धांत है उसमें किसी भी वस्तु को जलने के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन का होना नितांत आवश्यक है। बिना उसके कोई जलता नहीं है, कोई भी चीज़ जलती नहीं है। ये भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन भगवान सूर्यनारायण जलते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, कैसे जलते हैं? तो इसके विषय में बिल्कुल हमारे ऋग्वेद में सोमेनादित्यो वलिन सूत्र है। वो सूत्र कहता है कि एक पृथ्वी पूरी तरह से चंद्र आवामंडल से ढकी हुई है, चंद्रमा पृथ्वी से प्राणवायु को हर शुक्ल पक्ष में खींचता है, जिसे समुद्र आदि में ज्वारभाटा आदि होती है, और जो आपके समुद्र किनारे के और जहाँ जल की अधिकता है वहाँ के वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, वो रसदार वृक्ष होते हैं, और उस तरह से उस ऑक्सीजन को आज के आधुनिक विज्ञान के हिसाब से चंद्र आभा मंडल की जो तापक्रम है वो 185 डिग्री माइनस है आधुनिक विज्ञान के हिसाब से। तो हम उसमें भौतिक शास्त्र का सिद्धांत तो वहाँ पर कैसे फेल होता है,
जैसे हम आग के नज़ीक ऐसे हाथ करें तो गर्म आना चाहिए, इस तरह से हम जब सूर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों में जाएं वहाँ भी हमको ठंडा मिलेगा, अगर हम हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ हमको माइनस डिग्री मिलेगी, जबकि भौतिक शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से वहाँ हमें ज़्यादा गर्म मिलना चाहिए था, क्यों हम उस तरफ जा रहे हैं, नहीं मिलता है, क्योंकि पृथ्वी पूर्ण तरह से चंद्र हवामंडल से ढका हुआ जो बहुत ही ठंडा है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से प्राणवायु को खींचता है और वो इतना ठंडा है कि वहाँ जाते हुए प्राणवायु सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद में हर अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही बिंदु पे आते हैं और वो प्राणवायु जो है जलने के लिए सूर्य को राशन के तौर पे हर महीने प्राप्त होती है, तो उससे ऑक्सीजन वहाँ जलता है। और हर एक भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी को पता होगा कि प्रकाश और हवा का स्रोत जो है सूर्य है, हवा भी उधर से आती है, प्रकाश और हवा दोनों सूर्य से ही आते हैं, और वो हवा जो है फिर वापस कई ग्रहों में बड़ी आंधी के रूप में आते आते पृथ्वी तक भी आती है, और हमारे यहाँ के जो गर्मी के महीने हैं तो थोड़ा बहुत हवा का वेग हमारे यहाँ भी पहुँचता है जो सूर्य से वापस होता है। इस तरह से जो है भगवान सूर्य के जलने की प्रक्रिया ये है, और इसके बारे में हमारे सतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों में, जैसे ये ऋग्वेद का अगर आप दसों उसका 82 में आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, इस तरह सतपथ ब्राह्मण में भी मिलेगा, और हमारे कई ग्रंथों में सूर्य का अन्न भी सोमी है चंद्रमा ही है बोल के कहा गया है, इसलिए आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, और ये हमारे वेद का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसी तरह से ऋग्वेद में एक सूत्र है विवर्तते मही, उसके बारे में फिर कभी बताएंगे। धन्यवाद। किसी को कोई क्वेश्चन या सत्र के बाद में रखेंगे, आप नोट करके रखिए, जो भी आपके प्रश्न हैं उनको हम 10 मिनट बाद में सत्र में होगा, सभी यहीं पर उपस्थित हैं सभी से। अब इसके बाद योगेंद्र जी बिल्कुल तैयार रहिए, सर ने समिता शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छा जल चिकित्सा के माध्यम से जल चिकित्सा से किस प्रकार से वो रोगों को दूर करते हैं, जैसा कि हम नित्य प्रति पाठ भी करते हैं, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधात न महिरणाय चक्षसे इत्यादि मंत्रों से हम नित्य प्रति संध्या और स्तुति रूप में हम जल से प्रार्थना करते हैं कि हमारा शरीर हमारा हम जो पानी ग्रहण कर रहे हैं वो सब हमारे लिए शुद्ध और पवित्र हो करके हमें निरोगी बनाए। और वास्तविकता है शरीरम व्याधि मंदिरम, और ये व्याधियों का मंदिर है, यदि हम इसको सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे तो ये हमें धर्म के लिए अर्थ के लिए काम के लिए मोक्ष के लिए उद्यत रहेगा ही नहीं। तो इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो इसलिए शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सविता शास्त्री जी ने जल चिकित्सा के माध्यम से अपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट किया। अब मैं योगेंद्र भारद्वाज हैं जो JNU से धनुर्वेदीय व्यूह संरचना उनका टॉपिक है, उस पर अपनी PPT प्रेजेंटेशन रख रहे हैं बहुत अच्छे से, और समय का ध्यान रखें। जो के लिए नमस्कार, नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च, और बेब्स परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर मिला कि मैं यहाँ पर पत्र वाचन के लिए उपस्थित हूँ। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, मेरा नाम यह है योगेंद्र भारद्वाज, और मैं JNU से विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केंद्र से MPhil कर रहा हूँ, और वर्तमान में JNU के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो छात्र संघ है JNU छात्र संघ उसका पार्षद हूँ और कन्वीनर। ओके, चूँकि 16 दिसंबर आज है और आज 2012 में बहुत समय पहले कुछ ऐसा हुआ था कि भारत हिल गया था, इसके लिए मैंने फ्रंट पेज दिया है। सो अगला धनुर्वेदीय व्यूह संरचना के विषय मेरा पत्र वाचन है जिसे मैं प्रारंभ करता हूँ। ऋषियों ने सृष्टि के आदि में व्यवहार हेतु सभी वस्तुओं के नाम तथा कर्तव्य कर्मों का निर्धारण
वेद से ही किया है। संसार के उपलब्ध साहित्य में वेद प्राचीनतम है। इनका ज्ञान चार ऋषियों के परम पिता परमात्मा की विशेष प्रेरणा से उनके हृदय में हुआ और वेदों के विषय में सभी जानते हैं, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारिणे इष्ट प्राप्त अनष्ट परिहारे अलौकिकम या फिर अपौरुषेयम वाक्यम वेदा, इस तरह से वेद का कहा गया कि वेद क्या है। तो चूंकि चार वेद हैं और उनको कहिए कि पीडीएफ लगा दीजिए, ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, तो और सामवेद का गांधर्व वेद, अथर्ववेद का अर्थवेद, शिल्प वेद इत्यादि कहा जाता है। युद्ध करने एवं लड़ने की प्रवृत्ति प्राणियों में अनादिकाल से चल रही है। सत्य तो भारतीय दर्शनों ने बता दिया है कि संसार क्षणिक है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, किंतु मानव अपने स्वभाव के कारण लोक की मोहमाया में उलझा रहता है, परस्पर अशांति उत्पन्न करता है, कभी मानसिक रूप से तो कभी शारीरिक रूप से युद्ध के द्वारा। देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार युद्ध का विकास या ह्रास होता जा रहा है। कभी प्राचीन महाभारत का धर्मयुद्ध के रूप में तो कभी अर्वाचीन सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में। मनुष्येतर प्राणियों में ये युद्ध प्रवृत्ति नख दंत तथा अन्य उपायों के द्वारा अपने रक्षा करने या उदर पूर्ति तक ही सीमित है, किंतु मानव ने बुद्धि कौशल के प्रयोग से विविध शस्त्रास्त्रों का आविष्कार कर अपनी सुरक्षा तो की ही है, अपितु स्वयं को समस्त विश्व के जीव जंतु अथवा तथा अन्य साधनों का स्वामी भी बना दिया है। शस्त्रास्त्र तथा युद्ध संबंधी ज्ञान विज्ञान का कथन करने वाले शास्त्र को ही धनुर्वेद कहा जाता है। प्राचीन काल में शास्त्र ही रक्षक होते थे, इसीलिए शासनात् संशनात् वा शास्त्रम ऐसा कहा गया है। धनुर्वेद चूंकि धनु शब्द प्रारंभ में आया है तो जिज्ञासा उठती है कि धनुर्वेद ही क्यों, खड्गवेद भी कह सकते थे। अतएव कहा गया कि धनुर्वेद शब्द में धनु पद रूढ़ है, इससे धनु शब्द का ग्रहण होता है, किंतु उपलक्षण से अन्य आयुधों का भी ग्रहण किया जाता है। यद्यपि समस्त आयुधों में धनुष को श्रेष्ठता प्राप्त है, संभवतः सर्वप्रथम धनु शब्द का इसीलिए प्रयोग किया गया होगा। प्रस्थान भेद में ग्रंथ में इसकी पुष्टि भी की गई है। युद्ध के सात प्रकार कहे गए हैं, धनुष, चक्र, कुंत, खड्ग, छुरिका, गदा तथा बाहु युद्ध। व्यूह निर्माण कैसे किया जाता है अथवा व्यूह निर्माण जीत का आधार होता है। विशिष्ट पद्धति से युद्ध क्षेत्र में सेना को खड़ा करना ही व्यूह कहलाता है। लोकभाषा में इसको मोर्चाबंदी कहते हैं। व्यूह में युक्त सेना अल्पसंख्या में होती हुई भी प्रतिद्वंदी सबल सेना को जीत सकती है, जिसके विपरीत सबल सेना भी बिना व्यूह के छोटी व्यूह सेना को भी पराजित नहीं कर सकती है। सर्वप्रथम व्यूह संरचना का संकेत अथर्ववेद में मिलता है। महाभोग भोग द्वारा सर्पवत कुंडलाकृति इस व्यूह से शत्रु सेना से अपनी रक्षा करने को कहा गया है। भगवान राम ने लंका की घेराबंदी गरुण व्यूह की रचना द्वारा की थी तथा महाभारत में तो व्यूह रचना अपने चरम पर थी। लोक में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त अभिमन्यु तथा अर्जुन का संबंध व्यूह रचना से विशिष्ट है, इसको सब जानते हैं। चूंकि ये थोड़ा सा संकीर्ण मानसिकता है कि व्यूह का नाम होते ही लोगों के मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात आती है, व्यूह मतलब चक्रव्यूह, सिर्फ चक्रव्यूह। तो सिर्फ चक्रव्यूह नहीं है, व्यूह का एक प्रकार है चक्रव्यूह, उसके अतिरिक्त अन्य प्रकार भी हैं। इसकी जो व्यूह संरचना के विषय में अर्थर्ववेद, कौटिलीय अर्थशास्त्र, अग्निपुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, वीरमित्रोदय, शुक्र नीति, वशिष्ठ धनुर्वेद आदि ग्रंथों में व्यूह संरचना का विशिष्ट वर्णन प्राप्त होता है। सेना पहले चतुरंगिणी सेना होती थी, पैदल सेना, घुड़सवार, रथी सेना, हस्ती सेना। व्यूह संरचना के लिए चार आवश्यक तत्व हैं। वर्तमान में जब व्यूह संरचना होती है तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि पहला हमारा मिलिट्री, जो हमारा ये हमारी पहले चतुरंगिणी सेना हुआ करती थी, इस तरह से पैदल सेना, रथ, अश्व और चतुर्थ हस्ती की सेना। अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारी अर्वाचीन चतुरंगिणी सेना हम इसको भी कह सकते हैं कि हमारा पैदल, दूसरा मिसाइल सिस्टम, तीसरा हमारा टैंक और चौथा हमारा हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस। व्यूह संरचना में पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पदाति पैदल सेना को कहते हैं, समा शब्द का मापन में 14 अंगुल स्थान, आबाप व्यूह रचना के बाद बची हुई सेना को लगाना, प्रत्यावाप, अनवापाप, अविशत आगे बढ़ना, अपशित इत्यादि। आगे व्यूह के भाग के विषय में कहा कि व्यूह रचना जो होती है, व्यूह रचना के भाग अलग अलग होते हैं। तो व्यूह के चार प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहे गए हैं, संधि, पक्ष, कक्ष तथा उरस्य, तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पाँच भाग कहे गए हैं, दो पक्ष, दो बंद कक्ष और एक उरस्य, और अग्निपुराण में व्यूह को सप्तांगों वाला बताया गया है।
इस तरह से व्यूह रचना की जा सकती है। पक्ष दो पक्ष हो गए, दो कक्ष हो गए, उरस से बीच में राजा होता है और बाद में शिविर सेना होती है। लगभग 500 मीटर पे शिविर के लिए स्थान रखा जाता है और राजा को सबसे लास्ट में रखा जाता है। आगे व्यूह के भेद के विषय में कहा जाता है कि व्यूह का एक ही प्रकार नहीं है, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बोला था, व्यूह अन्य अन्य प्रकार के होते हैं। सर्प व्यूह, वृश्चिक व्यूह, दंड व्यूह, चक्र व्यूह, पद्म व्यूह, सेन व्यूह, दुर्जय व्यूह, काकपादी व्यूह, सर्वतोभद्र व्यूह, गोधिका व्यूह, मकर व्यूह, अग्नि व्यूह, माला व्यूह, खलक व्यूह, गरुण व्यूह, बराह व्यूह, बलाका व्यूह इत्यादि। इसके अलावा भी अन्य अन्य प्रकार हैं, जैसे कि दंड व्यूह का ही किसी किसी ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में दंड व्यूह के ही 17 भेद बताए गए हैं। इस तरह से अन्य अन्य व्यूहों के भी भेदों पर भेद हैं। आगे जैसे कि चक्र व्यूह, जो हमारा महाभारत का सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त अगर कोई व्यूह है वह है चक्र व्यूह, जहाँ अभिमन्यु को फंसकर मार दिया गया था, तो ये चक्र व्यूह है। उसके आगे अग्निव्यूह, अग्निव्यूह का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। खलक व्यूह, खलक व्यूह में 4 द्वार होते हैं। सकट व्यूह, एक बैलगाड़ी की तरह इस व्यूह की रचना की जाती है। अगला सिंह व्यूह, सिंह व्यूह की इस प्रकार रचना की जाती है। सर्प व्यूह होता है, सोचने की बात यह है कि जब व्यूह रचना की जाती है तो ऐसा नहीं है, जैसे इसमें आप देखेंगे कि पहले हस्ती राइट साइड है, फिर लेफ्ट साइड है। पहले राइट साइड में हस्ती हैं, फिर उधर में रथ हैं। आगे आप देखेंगे कि पहले रथ और हस्ती चेंज हो जाते हैं एक दूसरे से। उसी तरह से पद्म व्यूह, पद्म व्यूह ये पूरा व्यूह है। इसके अलावा एक व्यूह सिर्फ इसकी जो एक कली है, अगर हम किसी छोटे प्रदेश को जीतते हैं या फिर किसी छोटे प्रदेश पर, जैसे सपोज कि अगर पाकिस्तान से इस समय जो हमारा तनातनी चलता रहता है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया पर अगर आक्रमण करेंगे तो हम इस बड़े व्यूह की जगह हम एक छोटे व्यूह का रचना करेंगे। आगे ये शेन व्यूह, सपोज कि अगर कोई भी प्रतिद्वंद्वी अगर सर्प व्यूह का निर्माण करता है, जैसे कि अन्य अन्य मूवीज़ में दिखाया जाता है, रुद्रम्मा देवी में दिखाया गया है कि वो सर्प व्यूह का निर्माण करते हैं, चूँकि वो ऐतिहासिक फिल्म है, तो वहाँ उसका प्रतिकार करने के लिए जस्ट उसका अपोजिट व्यूह तैयार किया जाता है, जैसे गरुण व्यूह, क्योंकि सर्प का अपोजिट गरुण होता है, अथवा बाज सेन। तो अगर हम एक का प्रतिकार दूसरे व्यूह के द्वारा किया जाता है। आगे व्यूह संरचना में सैनिकों की संख्या कैसे होती है, तो प्रत्येक अश्वारोही के आगे 3 पदाति, 3 पैदल सैनिक, रथ अथवा हाथी के आगे 15 सैनिक और 5-5 घुड़सवार, और इतने ही पादरक्षक भी निश्चित होने चाहिए। इस प्रकार 3-3 की पंक्तियों में 9-9 और कक्ष में भी 9-9 रथ रखे जावे, ऐसा निर्देश किया गया है। इस प्रकार एक व्यूह में 45 रथ, 225 घोड़े, 675 पुरुष हुए। इसे सम व्यूह कहा जाता है। इसके अलावा सम व्यूह, विषम व्यूह, अर्धसम व्यूह, अर्ध विषम व्यूह, इस तरह से अन्य अन्य व्यूहों की भी रचना की जाती है। इसको कैसे आपने क्या कंक्लूजन क्या निकाला? अच्छा जी, हाँ, इसका अच्छा मैं सारांश पढ़ता हूँ, एक सेकंड। बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं बोल रहा था, निष्कर्ष पढ़ता हूँ मैं कि चूँकि राजा विभिन्न प्रकार से अपना व्यूह रचना करता है, सैनिकों को किस तरह से लगाना है, इस सब का विवेचन किया गया। राजा के लिए क्या, किस तरह से अगर अचानक की अगर कमज़ोर पड़ने लगे सेना, तो राजा किस तरह से अपने सेना को संभालता है, वो सारा निर्देश किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में प्रौद्योगिकी के इस युग में मानव ने उच्च स्तरीय अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया है। प्रथम विश्वयुद्ध 1914-1919 तथा द्वितीय विश्वयुद्ध 1939-1945 इसके विभीषिका के बारे में सोचकर ही हृदय द्रवित होता है। यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो निश्चित ही समस्त पृथ्वी पर मानव समुदाय के अस्तित्व को समाप्त होने की पूर्ण संभावना है। किंतु फिर भी दो देशों के मध्य, जैसे कि आज भारत पाकिस्तान अथवा भारत चीन, शीत युद्ध अमेरिका रूस अथवा आतंकवाद ISIS बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठन, ये लोग भी इस तरह से विभीषिका फैलाते हैं। यहाँ शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया जाता है। आज रथ, अश्व अथवा हाथी का स्थान तोप, टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान, ड्रोन, परमाणु अणु, हाइड्रोजन बम आदि ने लिया है। यद्यपि पैदल सैनिक तो आज भी विद्यमान है, किंतु वे आज धनुष और तलवार के स्थान पर उच्च तकनीक युक्त बंदूक अथवा बम का प्रयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार विगत वर्षों से में भारत पर विदेशी हमले हुए हैं तथा आज भी दो तरफा हमला, जैसे कि एक ओर पाकिस्तान तथा दूसरी ओर चाइना, इनसे स्वयं को सुरक्षित रखना भी एक चुनौती है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्राचीन धनुर्वेदीय सिद्धांत को खोजकर
उनका प्रयोग का समुचित उपयोगिता सिद्ध करने की आज आवश्यकता है। संप्रति प्रयोग में लिए जाने वाले आयुधों, युद्ध संबंधी नवीन समझें एवं सुने जाने वाले युद्ध प्रकार एवं युद्ध संरचनाओं की जानकारी विस्तृत हमारे धनुर्वेदीय ग्रंथों में उपलब्ध है, परंतु संप्रति प्राचीन ग्रंथों को धर्म विशेष से जोड़ने के कारण ऋषियों द्वारा संपादित दुर्लभ संपदा समाप्त होने के कगार पर है तथा इस पर कोई विशिष्ट ध्यान भी नहीं देता है। यद्यपि इस संपदा का ज्ञान होने पर भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की सामर्थ्य रखता है, किंतु इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण तथा ठोस कदम उठाने की आज भी आवश्यकता है। संस्कृत वाङ्मय में ऐसा दुर्लभ ज्ञान निहित है जिससे भारत ही नहीं अभी तो संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो सकता है। अंत में सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन दी। अब मैं अरुणा शुक्ला उनको बुलाना चाहती हूँ, और जो कि नवांशहर से हैं और संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्षा हैं वहाँ पर। वो अपना टाइटल बताएंगी और उसको प्रेजेंट करेंगी। हाँ, सभी को नमस्ते। मेरा विषय है वेद में प्राण तत्व विज्ञान। इसमें प्राण के बारे में वेदों से उदाहरण लेके प्राण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। मैं केवल पेपर पढ़ना चाहूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर। हाँ जी, इनके बाद डॉक्टर सुषमा चौधरी तैयार रहे जहाँ भी हैं, इनके बाद उनका प्रेजेंटेशन। ज्ञान और विज्ञान दोनों ही अपना वैशिष्ट्य रखते हैं। ब्रह्म को जानना ज्ञान है और ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि के विभिन्न तत्वों को का विश्लेषणात्मक ज्ञान विज्ञान है। सृष्टि के विभिन्न तत्वों की जानकारी ज्ञान कहलाती है और कई प्रकार की होती है। जब कोई वस्तु हमारे समक्ष आती है, हमारी इंद्रियों के साथ उसका सन्निकर्ष होता है, तब उससे जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रमा, प्रमेय और प्रमाण यही ज्ञान के अवयव हैं। विज्ञान में प्रमा, प्रमेय तथा प्रमाण होते हैं, किंतु प्रधानता वस्तुगत या पदार्थगत तत्वों के विश्लेषण की होती है। प्रमेय वस्तु किस प्रकार के कार्य करती है, किन तत्वों के साथ उसका संबंध है, अपने से भिन्न तत्व के साथ मिलने पर उसमें क्या प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया होती है, अन्य तत्वों के साथ उसकी सापेक्षता निरपेक्षता क्या है, यह विज्ञान कहलाता है। वेद विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है। ये उन ऋषियों के द्वारा दृष्ट है जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया था, अर्थात जिन्हें सभी प्रमेय वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान था। विभिन्न तत्वों का निर्माण कैसे होता है, उनमें किस प्रकार, किस स्थिति में कैसी क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन सब का भी उन्हें ज्ञान था। इस प्रकार वेद में न केवल ज्ञान का बल्कि विज्ञान का भी प्रतिपादन पूर्ण रूप से हुआ था। इसके लिए ऋषियों की भाषा शैली के सम्यक ज्ञान के अभाव में हम वेद में निहित विज्ञान के तत्वों को नहीं जान पाते। वेद विज्ञान को जानने के लिए उस शैली को भी जानना परमावश्यक है। ऋषि जब किसी वैज्ञानिक तत्व का विवेचन करता है तो उसके लिए जो शब्दावली प्रयुक्त करता है वो श्लेषात्मक है। उसके तीन अर्थ एक साथ निकलते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आध्यात्मिक। वेद विज्ञान में प्राण तत्व का विशेष महत्व है क्योंकि वही जीवन का आधार है। वैदिक ऋषियों का चिंतन प्राण विज्ञान की अपेक्षा प्राण विज्ञान पर अधिक है। विश्व के प्राचीनतम वाङ्मय ऋग्वेद में प्राण को आयुः कहा गया है। आयु न प्राण की व्याख्या में सायण लिखते हैं, आयुर्मुखे संचरन प्राण प्रश्वसन वायुरिव प्रियतमः यद्वा यथा प्राणवायुः आयुः जीवनम अवस्थापयति। यहाँ प्राणवायु को जीवन का आधार या मूल माना गया है। इसी के समर्थन में सायण कौशीतक की उपनिषद को उद्धृत करते हैं, यावद्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावत् आयुः, अर्थात जब तक शरीर में प्राण है तब तक जीवन है। इस प्रकार प्राण ही जीवन है, आयु है। जिस दिन प्राण समाप्त हो जाता है जीवन या आयु समाप्त हो जाती है। प्राणवाचक शब्दों में असु शब्द का भी ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर प्रयोग किया गया है। वहाँ प्राणदायिनी शक्ति का दैवीकरण असु नीति से किया गया है और उससे प्रार्थना की गई है कि वह जीवन के लिए मन, आयु, चक्षु, प्राण तथा भोग प्रदान करे। असुनीति का अर्थ है प्राण धारण करने की रीति या प्राण विज्ञान। इस विज्ञान के द्वारा प्राण को कैसे धारण किया जा सकता है,
और प्राण किस प्रकार विभिन्न तत्वों को धारण करता है इसका सिद्धांत प्रस्थापित करता है। प्राण ही मन को धारण करता है, इसलिए मन में व्याप्त प्राण मनः प्राण है। जब मनः प्राण मन से निकलते हैं तब मन की सत्ता समाप्त हो जाती है। प्राणायाम द्वारा मन को पुष्ट करने की चर्चा योग दर्शन करता है। इसी प्रकार चक्षु आदि जितनी इंद्रियां हैं उन सबको प्राण ही धारण करता है और सब में वह प्राण अलग अलग चक्षु प्राण आदि नामों से व्यक्त होता है। तत्त्व प्राणों के इंद्रियों से निकल जाने पर उन इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो जाती है, उनमें प्राणन अपानन क्रिया नहीं हो सकती। असुनीति रूप प्राण विज्ञान के द्वारा चक्षु आदि इंद्रियों के शक्तिहीन होने पर उनमें शक्ति धारण कराई जा सकती है। प्राण के जाने की संभावना होने पर भी पुनः प्राण की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। भोग भोगने की अशक्यता होने पर भी भोग भोगने की शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। प्राणायाम द्वारा मन तथा इंद्रियों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में पृथ्वी देव तथा अंतरिक्ष को प्राण प्रदान करने वाला कहा गया है। रेफरेंसेस सारे दिए हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ पृथ्वी देव तथा अंतरिक्ष से प्राण असु प्रदान करने की जो बात कही गई है उससे अर्थ ध्वनित होता है कि प्राण केवल जीवधारियों में ही नहीं जैसे कि सामान्य रूप से समझा जाता है बल्कि पृथ्वी आदि लोकों में भी है। पृथ्वी में स्थित प्राण पृथ्वी प्राण है, देव में स्थित प्राण देव प्राण है तथा अंतरिक्ष में स्थित प्राण अंतरिक्ष प्राण है। जब तक ये प्राण इनमें है तभी तक इनकी सत्ता है। मनुष्य या अन्य जीवधारियों की अपेक्षा ये प्राण अधिक शक्तिमान है, इसलिए ये दिव्य प्राण है। ऋषि अपने जीवन में इन प्राणों को प्राप्त करने की सदैव कामना करते हैं क्योंकि इन्हीं दिव्य प्राणों से उनका भी प्राण अनुप्राणित है। इससे बात स्पष्ट होती है कि वेद वैज्ञानिकों को इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों में ही केवल प्राण नहीं है बल्कि अंतरिक्ष देव आदि लोकों में भी प्राण की सत्ता है ऐसा उन्हें मान्य है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त प्राणियों का स्वामी कहा गया है। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ प्रजापति को संपूर्ण प्राणियों का स्वामी कहा गया है। यहाँ समस्त प्राण वालों से अभिप्राय समस्त प्राणों से भी है। प्राण एक भी है, अनेक विध भी हैं। ब्रह्मांड में जितने प्राण या प्राणधारी हैं उन सबका स्वामी परमेश्वर है। इस कथन से प्राणों की बहुलता का जहाँ बोध होता है वहाँ सभी प्राणों का समष्टि रूप एक नियामक प्राण तत्व का भी बोध होता है जिसमें सभी प्राण समाहित हैं। उस प्राण को परमेश्वर या परमेष्टि प्राण की संज्ञा दी गई है। बागांभरिणी सूक्त में जितने प्राणन व्यापार करने वाले हैं उन सबकी स्वामिनी वाक को कहा गया है। वेद में जितने देवता वाचक नाम हैं उनकी भी उन नामों से प्राण की सत्ता प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्म हो स्थूल हो दृश्य हो या अदृश्य हो वर्तमान है। ऋग्वेद के एक मंत्र में सूर्य की किरणों में भी प्राणन अपानन क्रिया का उल्लेख किया गया है। सूर्य की किरणों में प्राणन अपानन क्रिया हो रही है, इसका अर्थ हुआ सूर्य में जो सूर्य प्राण हैं वो प्राणन अपानन क्रिया से युक्त हैं। जब तक उसमें सूर्य प्राण है तब तक सूर्य की सत्ता है। सूर्य प्राण समस्त विश्व की गति का केंद्र बिंदु है, इसीलिए वैदिक ऋषि स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित करता है सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। यहाँ आत्मा का अर्थ प्राण या जीवन तत्व है। प्राण को ब्रह्म कहा गया है। कतिपय आचार्यों का कथन है कि देवता एक है और वह प्राण रूप ब्रह्म ही है। इन आचार्यों के मत में यह प्राण रूप ब्रह्म सर्वदेवमय है। यही देव नाम रूप कर्म और शक्ति भेद से नाना देवों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में परमेश्वर के प्राण से वायु की उत्पत्ति बताई गई है। जिस परमेश्वर के प्राण से वायु की उत्पत्ति बताई गई है वह परमेश्वर प्राण है। यह बात उल्लेखनीय है कि पार्थिव जितने प्राण हैं उन सब में प्राण वायु तत्व ही है क्योंकि वायु का ही शरीर में प्राणन तथा वायु से ही प्राणन तथा अपानन क्रिया होती है। जीवधारी में प्राण वायु रूप में ही है किंतु परमेश्वर प्राण की विशेषता है कि उसमें प्राण नहीं, उसमें वायु के बिना ही प्राणन अपानन व्यापार होते हैं। ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्त नासदीय सूक्त में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है आनीत वातम सधया तदेकम करके, अर्थात वह एक परमेश्वर बिना वायु के ही प्राणन अपानन व्यापार कर रहा है।
जिस जीवन शक्ति के द्वारा वह प्राणन व्यापार कर रहा था उस शक्ति का नाम ऋषि ने सुधा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सुधा प्राण सभी प्राणों का आधार है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र आदि जितने प्राण हैं उन सबका भी आधार यही है। यही सुधा प्राण उत्तरोत्तर सृष्ट पदार्थों में अल्पांश में होता हुआ सब में व्याप्त रहता है। ऐसा नहीं कि किसी में बिल्कुल ना हो। प्राण तत्व के विषय में यजुर्वेद में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। एक मंत्र में ऐन्द्र प्राण तथा ऐन्द्र उदान प्राण के अंग अंग में व्याप्त होने का उल्लेख किया गया है। पंडित सातवलेकर जी का मत है कि इस मंत्र से ये सूचना मिलती है कि जिस अंग अवयव अथवा इंद्रिय में प्राण की शक्ति न्यून होगी वहाँ आत्मा की प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा प्राण की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। यजुर्वेद में प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक स्थलों पर प्राण की प्रार्थनाएं की गई हैं। प्राणस्त आप्यायतम प्राणम में वाह्य अपानम करके बहुत सारे उदाहरण इस तरह से दिए गए हैं इसमें। तो ये प्राण जो है विभिन्न प्रकार के प्राण इसमें हैं। एक सूक्त एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। अथर्ववेद एक मंत्र में कहा कि इंद्रियों में जो व्यापक प्राण है वही गर्भ के अंदर चलता है, वही पुनः उत्पन्न होता है, वही भूत भविष्य तथा वर्तमान है। एक बीज से उत्पन्न होने वाले पदार्थ जैसे थे आगे भी वैसे ही होंगे तथा इस समय भी वैसे ही हैं। इस समय प्राण के कारण ही ये सारा चल रहा है। तो प्राण जो है जो एक शक्ति के रूप में है सर्वव्यापक है, वो जैसी हमेशा से थी वैसी है। उसके बिना कोई भी तत्व जो है संसार का विश्व का वो नहीं है। सभी में प्राणन चाहे वो पार्थिव हो चाहे देव में हो चाहे जहाँ भी उसकी सत्ता है चाहे प्रकृति में हो सभी में प्राणन अपानन किया लगातार चल रही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मुझे लगता समय हो गया है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक स्थलों पर प्राण की प्रार्थनाएं की गई हैं। प्राणस्त आप्यायतम प्राणम में वाह्य अपानम करके बहुत सारे उदाहरण इस तरह से दिए गए हैं इसमें। तो ये प्राण जो है विभिन्न प्रकार के प्राण इसमें हैं। एक सूक्त एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। अथर्ववेद एक मंत्र में कहा कि इंद्रियों में जो व्यापक प्राण है वही गर्भ के अंदर चलता है, वही पुनः उत्पन्न होता है, वही भूत भविष्य तथा वर्तमान है। एक बीज से उत्पन्न होने वाले पदार्थ जैसे थे आगे भी वैसे ही होंगे तथा इस समय भी वैसे ही हैं। इस समय प्राण के कारण ही ये सारा चल रहा है। तो प्राण जो है जो एक शक्ति के रूप में है सर्वव्यापक है, वो जैसी हमेशा से थी वैसी है। उसके बिना कोई भी तत्व जो है संसार का विश्व का वो नहीं है। सभी में प्राणन चाहे वो पार्थिव हो चाहे देव में हो चाहे जहाँ भी उसकी सत्ता है चाहे प्रकृति में हो सभी में प्राणन अपानन किया लगातार चल रही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मुझे लगता समय हो गया है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कमला नेहरू महाविद्यालय से डॉक्टर सुषमा चौधरी। अब इसके बाद जो हमारे रिसर्च कर रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से गीता रानी, वो तैयार रहेंगी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। नमस्कार। अपनी बात को कहने से पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि घर बनाते हो तो कंकरीट पत्थर के ही मत बनाओ। घर बनाते हो तो कंकरीट पत्थर के ही मत बनाओ, बीज भी डालो। बीज भी डालो जो बड़े होकर वृक्ष बनेंगे, छाया देंगे, सहलाएंगे अपने पत्तों से जैसे सहलाती है माँ बच्चे को अपने आंचल से। कहने का मेरा मतलब यही है कि आज की इस मौल युगीन संस्कृति में यदि हम अपनी भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा के बीज को आत्मसात कर लें तो संभवतः हम सबका जीवन भी पल्लवित होगा, सुरभित होगा। इसी के साथ ही मेरा विषय है जल एवं सूर्य किरण चिकित्सा अथर्ववेद के संदर्भ में। जैसा आदेश हुआ है तो मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ही यहाँ पे प्रकाश डालूंगी। महाकवि कालिदास ने बहुत ही सुंदर लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात कर्तव्य निर्वाह का सर्वप्रथम साधन हमारा शरीर है। अतः अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। जैसा कि कहा गया है कि जान है
तो जहान है। मानव जीवन न केवल प्राण धारण, भोजन व शयन है, अपितु अपनी इंद्रियों का स्वास्थ्य संरक्षण तथा उनके द्वारा श्रेष्ठ कार्यों का संपादन भी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि मानव जीवन का परम लक्ष्य है, जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विशेत शतम समाह। इस परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आयुर्वेद में वर्णित चिकित्सा विज्ञान की यहाँ पर महती आवश्यकता है। अब यहाँ पे बहुत बीच में का मैं भूमिका नहीं बांधते हुए रोगों के कारण पे आती हूँ, और रोगों के कारण के बारे में कहा गया है अथर्ववेद में, सभी रोगों के कारण को विष को माना गया है। वस्तुओं के अंदर जो दूषित विषमय अंश है वही दोषाणु अर्थात विषाणु या रोग कीटाणु के रूप में शरीर में प्रवेश करता है और उसी से रोगों की उत्पत्ति होती है, जैसा कि आधुनिक विज्ञान भी रोग के कीटाणुओं को ही रोगों का कारण भी मानता है। यक्ष्माणाम सर्वेशाम विषम, यह अथर्ववेद में आया है। और अथर्ववेद में त्रिधातु अर्थात वात पित्त कफ, शरीर के इन तीन मूल तत्वों का उल्लेख किया गया है। शरीर को एक सुंदर गृह माना गया है जो कि इन तीन धातुओं से बना है, त्रिधातु शरणम त्रिवरूर्धम। और चरक एवं सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी वात कफ पित्त को, इन तीनों को ही शरीर का आधार माना गया है, और इन तीनों के विकार से ही शरीर में नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, वायु पित्तम कफश्चोक्तम। चिकित्सा अथवा रोग निवारण वैदिक संहिताओं में विशेषतः अथर्ववेद में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन है, जिनके द्वारा आज भी मानव जीवन को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाया जा सकता है। और अथर्ववेद में रोगों को दूर करने के लिए चिकित्साओं को चार भागों में बांटा गया है। पहला मनुष्य वैद्य आदि द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा, दैवी, इसमें पंच तत्वों से प्राप्त होने वाली चिकित्सा जैसे मृत्तिका, जल, सूर्य, वायु, प्राणायाम, यज्ञ आदि से प्राप्त होने वाली चिकित्सा, आंगिरसी, मानसिक अथवा इच्छा शक्ति से होने वाली, और आथर्वणी अथवा योगी को कहते हैं अतः योग संबंधी चिकित्सा, आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी, मनुष्यजाह इत्यादि। जल चिकित्सा, अथर्ववेद में जल चिकित्सा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कहा गया है कि जल स्वयं औषधि है, यह रोगों को दूर करता है और जल से सभी प्रकार के रोग नष्ट किए जा सकते हैं। आपो विश्वस्य भेषजी तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्। जल हृदय के रोगों को दूर करता है, आपो हृद्योतद भेषजम, यह बलवर्धक है, आपो मयो भुवः, जल रमणीयता और सौंदर्य वर्धक है और औषधि है, अपसु भेषजम। एक मंत्र में आया है कि जल और रोग शामक अग्नि के संयोग में सब प्रकार की औषधियां हैं, अपसु में सोमो अब्रवीद अंतर विश्वानि भेषजा। जल में संजीवनी शक्ति है और इसके ठीक उपयोग से मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। जीवा स्थ सर्वमायुः जीव्यासम, जल के विषय में यह भी कहा गया है कि जल में घी के बराबर गुण हैं, यह प्राणों को पुष्ट करता है और मनुष्य को तेजस्वी बनाता है। आपो भद्रा घृतमिद आपह, अतः जल मनुष्य को बल और तेज देता है। जल चिकित्सा को रुद्र द्वारा दी गई चिकित्सा भी कहा गया है, इदम रुद्रस्य भेषजम। सूर्य किरण चिकित्सा, अथर्ववेद में सूर्य किरण चिकित्सा का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि सूर्य की किरणें शरीर को सुख देती हैं, सूर्यस्ते तन्ते तन्वे शम तपाते, सूर्य के प्रकाश में रहना अमृत से पूर्ण स्थान में रहना है, इससे जीवन दीर्घायु होता है। सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके, अथर्ववेद का कथन है कि उदित होता हुआ सूर्य सिर के कपाल संबंधी रोगों, हृदय रोग, सिर दर्द और अंगों की पीड़ा को भी दूर करता है। उद्यन आदित्य रश्मिभिः शीर्षणो रोगम अनीनशः अंग भेदम अशीषमः, सूर्य की किरणों को आयु का दाता, सर्व रोग नाशक व बुद्धिवर्धक कहा गया है। आयुर्ददम विपश्चितम विश्व भेषजीम, इसमें
यहाँ पे ही थोड़ा सा और मैं कहना चाहूँगी, जो कि मैंने और भी इसके अलावा भी जो पढ़ा है और स्वयं अनुभूत भी है, कि सूर्य की किरण में रखा गया जो है जल, यदि आप भर के रखते हैं और उसका सेवन करते हैं, ये मेरा स्वयं अनुभूत है इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ही लाभदायक है। और विभिन्न प्रकार के रंगों की चर्चा भी की गई है, जैसे कि सूर्य की लाल रंग की किरणें दीर्घायु और निरोगता प्रदान करती हैं, ये शरीर के सभी दोषों को दूर करती हैं और पांडु रोग को नष्ट करती हैं। रोहितई वर्णई दीर्घायुत्वाय दग्मसे। सूर्य किरण चिकित्सा का लाभ उठाने के लिए अलग अलग रंग की बोतलों में जल भरकर उसे धूप में रख देने से सूर्य के सभी औषधीय गुण उसमें आ जाते हैं, तब उसका प्रयोग करना चाहिए। सूर्य किरणों में रहने वाला जल उत्तम होता है। और आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप भी सूर्य किरण चिकित्सा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप कांच की बोतल में दिन में जो है सुबह धूप निकलने के बाद से लेकर शाम से पहले तक का जल यदि आप सेवन करते हैं तो मुझे पेट संबंधी रोगों में फ़ायदा हुआ है नियमित सेवन से, इसलिए मैं ये आपसे साझा करना चाहती हूँ यहाँ पर। और इस प्रकार प्रकृति के ये दो अनमोल वरदान जल एवं सूर्य, जो मानव जीवन का मूल आधार हैं, मनुष्य को आरोग्यता प्रदान करने वाले हैं। आरोग्यता ही मानवता का सार एवं जीवन की अनमोल निधि है। भारतीय आयुर्वेद का चरम लक्ष्य मोक्ष है, अतः मोक्ष की प्राप्ति हेतु आरोग्य ही प्रमुख साधन है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में दो पंक्तियां और कहना चाहूँगी अब मैं आप लोगों से, कि आधुनिकता की चाह में आज इंसान चला जा रहा है। अपने इन सभी ज्ञानों को हम पीछे छोड़ देते हैं, बहुत आधुनिक हो गए हैं संभवतः सभी लोग, कहते हैं कि आधुनिकता की चाह में आज इंसान चला जा रहा है, अनजाने ही में स्वयं को चले जा रहा है। अंधे युग की अंधी दौड़ में दिशा विहीन भटके जा रहा है। तोड़कर प्रेम व आदर्श की मान्यताओं को विषय वासना के महल खड़े किए जा रहा है। लेकिन दिन वह भी आएगा कि थक जाएगा, थम जाएगा और फिर लौटकर प्रेम व आदर्श की उन्हीं मान्यताओं को अपनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गीता रानी